पूरी तरह से लागू हो जाएगा। हालांकि यह व्यवस्था सरकार ने 1 दिसंबर से ही लागू करने की बात कही थी, लेकिन 15 दिनों के समय सीमा इसके लिए बढ़ा दी गई, जो कि 15 दिसंबर से अब लागू होगा। अब अगर आप बिना फास्टैग के टोल प्लाजा पर फास्टैग वाली लेन से अपना वाहन निकालते हैं तो फिर आपको 2 गुना टोल टैक्स देना होगा। हालांकि अभी एक हाइब्रिड लेन बनाई गई है जिसमें बिना फास्टैग वाले वाहन कैश टोल देकर निकल सकेंगे। तो वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने लखनऊ रायबरेली नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पे फास्टैग व्यवस्था को लेकर लोगों से बातचीत की। पूरे देश में सभी टोल प्लाजा पर 15 दिसंबर से फास्टैग की व्यवस्थाएं पूरी तरह से लागू कर दी जाएंगी। हालांकि आपको बता दें, ये सुविधाएं 1 दिसंबर से लागू होनी थी, उसको बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया था। अब 15 दिसंबर से जो भी टोल प्लाजा होंगे, हर टोल प्लाजा पर फास्टैग की व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। इस समय राजधानी लखनऊ के जो रायबरेली और लखनऊ नेशनल हाईवे पर है, ये NH 30 है, उस पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लाइनों को फास्टैग लेन कर दिया गया है। सिर्फ एक हाइब्रिड लेन ऐसी होगी जिसमें फास्टैग और कैश वाले दोनों जा सकेंगे। हालांकि अगर सिर्फ फास्टैग वाली लाइन में कोई कैश वाला अगर बंदा जाता है तो उसको कहीं ना कहीं अब डबल टोल चुकाना पड़ेगा, 2 गुना टोल उसको दे करके जाना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। वहीं अगर जो कैश लेन की जो व्यवस्था है वहां से भी फास्टैग वाला निकल सकता है आसानी से। ऐसे में जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि अब फास्टैग शुरू होने से कितना उनको सुविधाएं हो जाएंगी, कितना आसानी से वो निकल सकेंगे। सर, क्या लगता है कि फास्टैग व्यवस्था लागू होने से अब कितना टाइम कम लगेगा? टाइम तो कम लगेगा, जल्दी हो जाएगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारा ऐसे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? ऐसे के त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, जिस तरह से पूरे देश में अब फास्टैग की सुविधा लागू की जा रही, क्या लगता है और टोल पे कितना कम समय लगेगा और जल्दी? नहीं, निश्चित बहुत समय कम लगेगा। इस पे थोड़ी एक और व्यवस्था करनी चाहिए लोगों को कि और इसके अलावा कहाँ कहाँ बन सकते हैं, ये सुविधाएं लोगों को जल्दी मुहैया कराई जाए। जैसे कि हम यहाँ पे टोल पे लाइन लगाने के बजाय पहले से ही दूसरी जगह से फास्टैग बनवा के आ सकें। अब ये जानकारी भी सभी लोगों को इतनी नहीं हो पाई है कि फास्टैग ये टोल प्लाजा के अलावा और कहाँ बन सकेंगे, तो ये जानकारी हो जाए तो हम लोग खुद ही अवेयरनेस हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीज होगी और बहुत ही ट्रैफिक में समय बचेगा और फ्यूल भी बचेगा जो लाइन में लगा के खड़े होते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरह से फास्टैग व्यवस्था लागू हो जाएगी, ऐसे में जो घंटों जाम से जूझना पड़ता था वो नहीं जूझना पड़ेगा। इस समय आप देख सकते हैं कि ये इस टोल प्लाजा पर भी कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर अभी फास्टैगिंग की व्यवस्था तो की गई है लेकिन अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई, जिसके चलते लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं, सर क्या लगता है कि जैसे ही फास्टैग व्यवस्था लागू हो जाएगी कितना आसानी हो जाएगी आप लोगों को? बढ़िया हो जाएगा, रुकना नहीं पड़ेगा। जी जी, क्या कहना है? क्योंकि सर हमें बहुत दिक्कत आ रही है, बताइए, इस तरह हम वेट करेंगे टोल देने के लिए, पैसे भी वेट भी करें तो कितना दिक्कत है सर। तो जिस तरह से अब 15 दिसंबर से पूरे देश में हर टोल प्लाजा पर फास्टैग व्यवस्था लागू हो रही है, ऐसे में लोगों का कहना है कि अब उन्हें टोल प्लाजा पर समय कम लगेगा और जल्दी टोल प्लाजा से पार कर सकेंगे, आसानी से पार कर सकेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जरूर समस्या होगी जो बिना फास्टैग वाली गाड़ियां हैं, अगर वो कहीं फास्टैग लेन में चली जाती हैं तो उनको कहीं ना कहीं दुगना टोल चुका करके निकलना पड़ेगा। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।